जे इनवर्स, एच जे इनवर्स और एच आई इनवर्स कहाँ से हैं? एच आई से भी हैं और एच जे से भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में होंगे, एच जे में भी होंगे, ठीक है। एंड वी नो दैट, एंड वी नो दैट, और हम जानते हैं क्या कि एच आई और एच जे के इंटरसेक्शन में तो एक ही एलिमेंट था और वो था आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब ये कंप्लीट किसके बराबर है? आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है। तो मैं लिखूंगा एच जे, एच आई, एच जे इनवर्स, एच आई इनवर्स किसके बराबर बनेगा? आइडेंटिटी के बराबर बनेगा। इसको क्या लिख सकते हैं? एच जे, एच आई, और इसको मैं लिख दूंगा एच आई एच जे का इनवर्स, क्योंकि इनवर्स लगाते ही ये दोनों पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं, तो वैल्यू बनेगी आइडेंटिटी। दोनों ही साइड में मैं एच आई एच जे से ऑपरेट करता हूँ, तो वैल्यू बनेगी एच जे एच आई, और इधर क्या बनेगा? ये आइडेंटिटी बन जाएगा और वो बनेगा अपने पास एच जे, नहीं एच आई एच जे, ये वाली वैल्यू बनेगी अपने पास, ठीक है। अब देखो एच आई और एच जे के एलिमेंट आपस में कम्यूट कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं बोलूँगा सो एलिमेंट्स ऑफ एच आई एंड एच जे कम्यूट्स, कम्यूट्स। अब कम्यूट्स कर रहे हैं, इसका मतलब हमने ये बात प्रूव करनी थी कि जी जो है वो एच वन एच टू एच थ्री एच एन का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर प्रूव करना है तो पहली कंडीशन तो ये होगी कि जी इज इक्वल टू एच वन एच टू एच थ्री एच एन लिखा जाए, वो तो हमने कंडीशन नंबर वन से लिख दिया। अगली बात क्या थी कि एच आई और एच जे के एलिमेंट कम्यूट करें आपस में सारे एलिमेंट, तो बोलूँगा ये एलिमेंट सारे कम्यूट कर रहे हैं। और तीसरा है अपने पास कि जी का हर एक एलिमेंट एच वन एच टू एच थ्री एच एन के यूनिक एक्सप्रेशन में लिखा जाए, तो वो बात और हम लिखते हैं, वो हम अगली स्लाइड में लिखते हैं। यहां से लिख रहे हैं हम सिंस गिवन दैट, सिंस गिवन दैट जी इज इक्वल टू एच वन एच टू सो ऑन एच एन, तो मैं बोलूंगा दैट इज एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जी कैन बी रिटन रिटन इन दी फॉर्म, इन दी फॉर्म कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू और एक्स एन, जहाँ से हर एक एक्स आई जो है वो कहाँ से आ रहा है? एच आई से आ रहा है। और लेट इफ पॉसिबल, तो हम बोलेंगे अगला, एंड लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल एक्स एलिमेंट जो है वो ऐसी फॉर्म में भी लिखा जा रहा है वाई वन वाई टू वाई एन, जहाँ पर सारे सारे वाई आई कहाँ से आ रहे हैं? वाई आई आ रहे हैं हमारे पास एच आई के अंदर से। और हमने एक ही एलिमेंट को दो दो एक्सप्रेशन में लिखने की कोशिश की है। एक बार हम ऐसा है, अगर मान लेते हैं अगर ऐसा हो तो क्या होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल आने चाहिए, मतलब एक्स वन वाई इक्वल आना चाहिए, एक्स टू वाई टू इक्वल आना चाहिए, और एक्स एन वाई एन दोनों इक्वल आने चाहिए ऐसा। देन हम क्या बोलेंगे, ये भी एक्स के बराबर है, ये भी एक्स के बराबर है, इसका मतलब है कि एक्स वन एक्स टू ये आर एच एस एल एच एस बराबर, तो आर एच एस आर एच एस भी बराबर होगा, तो एक्स एन इज इक्वल टू क्या बनेगा? वाई वन वाई टू और वाई एन, इतना हमने बोल दिया है। एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन जो होगा वो बराबर होगा वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई एन के। अब हमें ये प्रूव करना है कि एक्स वन और वाई वन बराबर हैं, एक्स टू और वाई टू बराबर हैं, तो हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? एक्स आई और वाई इनवर्स, एक्स आई वाई इनवर्स जो है वो बनेगा एक्स वन इनवर्स वाई के इंटू एक्स टू इनवर्स वाई टू के, और अपने पास वैल्यू बनेगी ऐसे ही एक्स आई माइनस वन इनवर्स वाई आई माइनस वन के इंटू एक्स आई प्लस वन इनवर्स वाई आई प्लस वन के,
और आगे वैल्यू बनेगी हमारे पास एक्स एन इनवर्स वाई एन के बराबर होगी। ये दोनों वैल्यू तभी बराबर होंगी, ये कहाँ का एलिमेंट है, एच आई का, ये है एच जे का एलिमेंट अपने पास, सही है, ये भी एच आई का एलिमेंट है, ये सारे एच आई के एलिमेंट हैं और ये एच आई के अलावा सारे एलिमेंट हैं। तो बोलूँगा एच आई और एच आई के अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे तो एक एलिमेंट कॉमन आता है, क्योंकि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, और इन दोनों में कौन कॉमन आता है, सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब क्या बनेगा, एक्स आई इंटू वाई आई इनवर्स की वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, आइडेंटिटी वाले सेट में से आएगी। इसका मतलब है कि एक्स आई की जो वैल्यू है इंटू वाई आई की जो वैल्यू का इनवर्स है वो क्या बनना चाहिए अपने पास, इक्वल टू आइडेंटिटी बनना चाहिए। इक्वल टू आइडेंटिटी बनेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब है कि अपने पास एक्स आई का दोनों साइड में मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू बनेगी अपने पास एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई, किसके लिए, फॉर ऑल आई, फॉर ऑल आई के लिए, ठीक है। इसका मतलब एक्स वन वाई वन के इक्वल, एक्स टू वाई टू के इक्वल, एक्स थ्री वाई थ्री के इक्वल, तो हम बोलेंगे हैंस देखो एक्स वन वाई वन एक्स थ्री वाई थ्री सब क्या हैं, बराबर हैं, तो मैं यहाँ से बोलूँगा सो एक्स वन इज इक्वल टू होगा एक्स टू के, वाई वन इज इक्वल टू होगा वाई टू के, और लास्ट में एक्स एन जो है वो इक्वल होगा वाई एन के। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो हमने एक एक्स एलिमेंट को दो अलग अलग एक्सप्रेशन में लिखने की कोशिश की थी वो दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन नहीं है, वो सेम एक्सप्रेशन है, क्योंकि सारे एक्स वन जो है वो वाई वन के इक्वल है, एक्स टू है जो वाई टू के इक्वल है, एक्स थ्री जो है वाई थ्री के इक्वल है, एक्स एन जो है वो वाई एन के इक्वल है। इसका मतलब है कि जी का हर एक एलिमेंट, तो मैं लिखूंगा हैंस एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज रिटन एज इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज एलिमेंट ऑफ ऑफ एच वन एच टू एच एन, इन सब के एलिमेंट में यूनिकली एक्सप्रेस हुआ है। तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन हो गई है, जी इज इक्वल टू एच वन एच टू एच थ्री एच एन लिख दिया है, एच वन एच टू एच थ्री एच एन के सारे एलिमेंट आपस में कम्यूट करते हैं, और ये जो एच वन एच टू एच थ्री एच एन के सारे एलिमेंट मिल करके जी के एलिमेंट को यूनिक तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। इतना हमारे पास हो गया है, तो ये थ्योरम का प्रूफ था। तो यूनिट नंबर वन अपनी खत्म हो गई है, अब हम कल से अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर।